हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मार्जन आर के कालासोड़ में एक बार फिर से। तो दोस्तों देखो, ये गाड़ी में जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि ये गाड़ी हर 100-200 किलोमीटर चलने के बाद में इसमें पानी कम कर रही है, यानी इसमें से पानी कम करती है। और एक प्रॉब्लम है, ये नलकी है ना, देखो ये नलकी, देखो जंखारी, इसमें से पानी बाहर निकाल देती है और ये गाड़ी में करीबन 1 लीटर पानी कम हो जाता है 100 किलोमीटर चलने पर। अब इसको क्या बताया गया देखो, ताकि आप लोगों साथ ना हो दोस्तों, ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ। इस भाई को यूँ बताया गया है कि इसका हेड खुलेगा, इसका हेड का काम होएगा और हेड नया भी डल सकता है। मतलब ये गाड़ी क्या पहले भी हेड खुलवा चुकी, तो मैकेनिक यूँ बोल रहे हैं। बाकी और कि इसका हेड खुलेगा और हेड का अगर फेस करने लायक जगह होगी तो ठीक है, वरना हेड नया डलेगा। मतलब कि गाड़ी में आराम से, यानी कि वो लोग 25-30 हज़ार का खर्चा बता रहे हैं, मतलब पूरा काम का, मतलब जब जाके पानी खाना बंद करेगी गाड़ी। जबकि मैं यूँ बोल रहा हूँ दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम आती है ना दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि हेड ख़राब होने से ही आए। क्या? हाँ भाई, माना कि भाई हेड का अगर मान लो गैस्केट फट जाएगा, गाड़ी हीट हो जाएगी, तो उसके बाद में इसमें से पानी बाहर निकालने लग जाती है। तो ये नहीं है कि हर बार ये होगा। अगर जैसे मान लिया आपकी गाड़ी ठीक ठाक है, स्टार्टिंग वगैरह सब बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया चल रही है, सिर्फ पानी कम कर रही है और हीट हो रही है गाड़ी, तो उसकी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। देखो क्या क्या करवाना पड़ेगा। अब इसमें ना मैं बताऊँ क्या प्रॉब्लम है। एक तो इसका थर्मोस्टेट वाल है, वो चेंज होगा, क्योंकि वो यानी मान के चलिए वो टाइम पर नहीं खुल रहा है। दूसरा, इसका रेडिएटर क्लीन होएगा, सिंपल सा प्रोसेस है और कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। अगर कोई भी आपको ये चीज़ हो ना भाई, आपकी गाड़ी पानी खाने लग जाए और इसमें से धीरे धीरे पानी टपकने लग जाए हीट होकर और पानी कम पड़ने लग जाए, तो सबसे पहले आपको ये प्रोसेस ये कराना है, इसका थर्मोस्टेट वाल और रेटर। तो अभी मैं इसका रेटर खोल लेता हूँ और वो आपको कंडीशन दिखाता हूँ और थर्मोस्टेट वाल भी। चलो, तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरा रेटर खोल लिया है। अब देखो, ये आपको दिखा रहा हूँ, देखो कितनी इसमें डस्ट जमी हुई है, बहुत ज़्यादा ही, देखो इसकी कंडीशन। तो अभी इसको खुलवाते हैं, इसकी सफाई करवाते हैं। जब तक वाल खोल लो तो मैंने थर्मोस्टेट, हाँ वाल खोल लें। हाँ हाँ, वो खुलेगी और क्या, पूरा ही थोटर, मतलब ये थर्मोस्टेट वाल खोलना है। तो ये देखो दोस्तों, अभी इसे डालते हैं हम रेडिएटर वाले के। केक लाइन है शो के सारी, मैं ढंग से दिखा दूँ एक सेकेंड। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। देखो इसमें देखते रहना आप, ये देखो ऊपर ऊपर हल्के हल्के हर एक लाइन, यानी कि हर एक लाइन, ये देखिए हर एक लाइन में कचरा है। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्टार्ट है और ये पूरी लाइन है, इसकी चौक पड़ी है, ये देखो सारी लाइनों का अंदर है, सारी लाइन है, यानी कि सिर्फ ये लाइन चौक होने की वजह से, ये देख लो, ये रेडिएटर की सिर्फ लाइन चौक होने की वजह से, इसमें ओवर हीट होने की वजह से, ओवर हीट की वजह से वो जो रेडिएटर का जो ढक्कन है ना, यानी जो बोतल का ढक्कन, उसके वहाँ से पानी निकाल देती है गाड़ी, क्योंकि ओवर हीट होती है। अब ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें आपको बताई नहीं जाती हैं, ये चीज़ें आपसे छुपाई जाती है और आपकी गाड़ियों का हेड खोला जाता है। ये बात मैं बता रहा हूँ ना, देखो कई लोगों को बुरी लगेगी जो मैकेनिक भाई है, लेकिन ये सच है दोस्तों। यानी कि बिना ये छोटा प्रोसेस चेक करे लोगों का हेड खोल देते हैं और उनको 20-25-25-30-30 हज़ार रुपये का खर्चा कर देते हैं। जबकि ये देखिए हमारे यहाँ पर, तो देखो मैं बता दूँ, करीबन 400-500 रुपये के आसपास लेगा सर्विस करने वाला और मैं खुलाई फिटिंग कर लूँगा, यानी ज़्यादा कस्टमर के, यानी 1000-1500 रुपये का काम है, जिसकी जगह पे मान के चलिए देख लिए 25 हज़ार लगा दिए जाते हैं, सिर्फ ये छोटी चीज़ें चेक नहीं कराई जाती। अब देखो मैं आपको चला कर भी दिखाऊंगा, गाड़ी वैसे तो पानी यानी 100 किलोमीटर चलने पर कम कर रही है, लेकिन हीटिंग वगैरह देखो बिल्कुल भी नहीं आएगी जब मैं चला कर दिखाऊंगा ये किराने के बाद में। तो अभी इसको क्लीन करवा लेते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये छोटा प्रोसेस मैं इसीलिए बताता हूँ ताकि आप लोग यानी फालतू चक्करों में ना पड़ जाएँ दोस्तों। अब ये चीज़ें क्या बताता नहीं है कोई भी, भाई ये चीज़ें छुपाते हैं और आपसे बोलते हैं भाई हेड खुलेगा और हेड नया डलेगा और हेड में पैसा कमाया जाता है और कुछ नहीं है, बस ये है फ्लोर का काम, जो मैं ये चीज़ें सच्चाई बता रहा हूँ आप लोगों को। बुरी तो लगेगी कई मैकेनिकों को, लेकिन ये सच है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने थर्मोस्टेट वाल इसका खोल लिया है, ये देखो, यानी सिर्फ थर्मोस्टेट वाल निकाला है। अब ये वाल क्या है, ये देखो इस पर जंग वंग आ चुका है, यानी काफ़ी जाम सा लग रहा है ये। अब ये क्या है, ये टाइम पर नहीं खुल रहा दोस्तों, क्या जंग वगैरह आने की वजह से, तो इसमें क्या टेम्परेचर ज़्यादा आ जाता है गाड़ी में, जो टेम्परेचर आता है तो एक बोतल में से जो साइड में जो पाइप होता है ना बोतल का, उसमें से हल्का फुल्का पानी फेंकती रहती है गाड़ी। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब 100 किलोमीटर के आसपास जाके आते हैं ना अपन, तो ये थोड़ा बहुत पानी कम कर देती है। अब ये रीजन होता है, एक तो ये छोटा सा वाल होता है और एक ये रेडिएटर चोक होता है। अब ये दोनों में से कोई भी चीज़ चोक होगी ना, तो उसमें से पानी धीरे धीरे कम करने लग जाएगी गाड़ी,
और जिससे अपन को ऐसा लगा गाड़ी पानी खा रही है। तो ये चीज़ें क्या है, छोटा प्रोसेस है। अब ये देखिए छोटा प्रोसेस करके इस गाड़ी को हम सबसे यानी बढ़िया चलाएंगे और बिना किसी पैसा लगा, जबकि और लोगों ने क्या बताया कि हेड डलेगा, हेड ख़त्म है, हेड का फेस होएगा, हेड खोलने के बाद पता चलेगा, यानी ऐसे ऐसे डायलॉग दिए गए हैं कस्टमर को। तो अभी देखो देखते हैं हम करते हैं इसको, फिर उसके बाद में कस्टमर देखते हैं कितना खुश होता है। तो ये देखिए दोस्तों किस तरीके से गंदगियाँ बाहर निकल रही हैं। अब देखिए सिर्फ ये इस साइड के पाइप चालू हैं इसके, जो भी थोड़े बहुत, बाकी उस साइड इसके देखिए पूरे बंद पड़े हैं। मतलब यानी सिर्फ यहाँ से प्रेशर आ रहा है, चाहे आप देखो मैं इसको यूँ भी उठा लूँगा ना, यानी उस तरफ दे दिया मैंने पूरा लोड, तो भी उसमें से देखो सिर्फ ये एक पाइप में से निकल रहा है, बाकी सब पाइप बंद है, सिर्फ ये पाइप में से प्रेशर फेंक रहा है। इसमें केमिकल डाल दिया, ये देखिए कचरा बाहर निकल रहा है, इस तरीके से साफ़ कराना पड़ता है अच्छे से। तो ये देख लीजिए पूरे पाइप बंद है, सिर्फ ये कुछ पाइप चालू हैं जिनसे गाड़ी चल रही थी थोड़ी बहुत। तो देखो दोस्तों रेडिएटर वगैरह पूरा कंप्लीट कर दिया, ये देखो आपको दिखा देता हूँ, देखो ये चमक रहा, बिल्कुल बढ़िया सफाई करवा दी है। अब देखो दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, जैसे जो मैंने इस गाड़ी को चेक किया ना, तो मैंने ये नहीं है कि डायरेक्ट रेडिएटर वगैरह खोल दिया या हेड ख़त्म बता दिया, मैं सबसे पहले यानी स्टेप बाय स्टेप काम करता हूँ। देखो मेरी आदत है, मैंने सबसे पहले इसका क्या किया, ये ढक्कन है ना देखो ये पुराना, ये रिप्लेस करके मैंने पहले ये नया लगा के देखा गाड़ी में, ये नया लगा के देखा। अब नया लगाने पे क्या हुआ, मतलब ये ढक्कन लगाया ना तो इसने यानी प्रेशर की वजह से नया था इसलिए ज़्यादा सीज हुआ, तो देखो ये वाले ढक्कन को तोड़ दिया इसने, नए वाले को, यानी पहले मैंने नया ढक्कन लगा के देखा इसमें, ये देखो मैंने पहले नया रिप्लेस किया और फिर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ढक्कन में कोई दाब पड़ी या फिर ये टाइट ज़्यादा हो गया तो ये ढक्कन तो इसने तोड़ दिया। अब ये पुराना वाला ही चल रहा है इसमें बढ़िया, ये देखिए। अब कई मतलब क्या होता है दोस्तों, ये सिर्फ ढक्कन ख़राब होने की वजह से भी यहाँ से पानी फेंक देती है। देखो आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं कि सिर्फ ढक्कन ख़राब होने की वजह से भी गाड़ी पानी कम करने लग जाती है, ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया रेडिएटर और ये सब होएगा, थर्मोस्टेट वाल होएगा तो ये सभी होएगा। एक छोटा प्रोसेस और बता दूँ मैं इसी वीडियो में, अगर ये ढक्कन ख़राब हो जाएगा तो भी धीरे धीरे पानी खाने लग जाएगी गाड़ी। तो अभी फ़िलहाल इसमें कूलेंट डालते हैं और फिर इसको चलाएँगे काफ़ी तेज़, यानी काफ़ी दूर तक चला के आएँगे, फिर देखेंगे ये कितना पानी कम कर रही है, अभी भी प्रॉब्लम है या नहीं है वो भी मैं ज़रूर चेक करूँगा। भाई मेरे हिसाब से 100% काम हो चुका, अब ये नहीं करेगी कम, नहीं पूरा प्रॉपर चेक करके दूंगा कस्टमर को गाड़ी। तो चलो कूलेंट ले आते हैं, कूलेंट डाल देते हैं इसमें। तो ये देखिए दोस्तों कूलेंट वगैरह सब डाल दिया है अच्छे से, पूरा भर दिया। हाँ जी स्टार्ट करो, ये देखो दोस्तों कूलेंट वगैरह सब कंप्लीट है। अब इसे चला के देख के आते हैं बढ़िया, यानी दौड़ा के आएंगे काफी दूर तक, फिर चेक हो गए अच्छे से भाई ये पानी अभी भी कम करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि देखो उन लोगों ने कस्टमर इसलिए बोल रहा है अच्छे से चेक करना क्योंकि सबने हेड खत्म बताया है, सिर्फ मैं एक अकेला हूँ जो मैंने कहा है कि ये सिर्फ और रेटर और थर्मोस्टेट वाल क्लीन हो, यानी नया डलेगा और रेटर क्लीन होएगा जिससे बंद होएगी, बाकी सब ने हेड ख़त्म बताया इनको सब ने। तो चलो अभी इसे ट्रेस ट्राई लेते हैं लंबी। तो ये देखिए दोस्तों काफ़ी दूर ले आए हैं हम गाड़ी को और अभी तक चलाए जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, यानी टाइम पे ये देखिए आ गया, मतलब हाफ से ज़्यादा आ गया, मतलब इतना आ गया मीडियम 80 का आ चुका टेम्परेचर और अभी भी हम चलते जा रहे हैं, काफ़ी दूर तक चला के आऊँगा इसको, फिर अच्छे से चेक होएगी है और फिर देखना आप रिजल्ट कितना प्यारा आएगा। चलो अभी तो चलते हैं, काफ़ी लंबी लेंगे, अभी तो 5-6 किलोमीटर आए हैं हम। तो ये देखिए दोस्तों काफ़ी दूर, यानी काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके हैं हम इस वक्त और गाड़ी फुल हीट हो चुकी है अब आराम से, अब इससे ज़्यादा हीट नहीं होएगी गाड़ी, अब बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर आ रहा है, कोई ओवर नहीं जा रहा टेम्परेचर और फुल हम यानी खींच के चल रहे हैं गाड़ी को, स्लो भी नहीं चला रहे हैं फुल, यानी कि काफ़ी तेज़ चला रहा हूँ, फुल लोड दे रहा हूँ गाड़ी पर फुल। तो चलो अब रिटर्न कर लेते हैं क्योंकि आने और जाना दोनों में शायद आराम से आने के 20-21 किलोमीटर हो जाएगा, तो चलो अब रिटर्न कर लेते हैं और अब आपको दिखाएँगे
शॉप पर पहुंच कर देखा क्या कंडीशन है, पानी बाहर फेंक रही है नहीं फेंक रही। तो ये देखिए दोस्तों, यानी आधा घंटा लग गया चला के आने में। तो आप पहुँचे हैं, अब हम शॉप पर जाकर आपको दिखाते हैं। स्टार्ट ही रहने देंगे, बोनट खोल लो, अब देखते हैं हम रिजल्ट। तो ये देखो दोस्तों, अब कोई पानी नहीं है कहीं पर भी। ये देखो, जबकि इतनी रफ चला के आया हूँ मैं, ये देखो बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। तो दोस्तों, तो ये देख रहे आपने रिजल्ट, अब ये इतनी सी चीज़ है ना, यानी कि इतनी सी चीज़ से कैमरे का आगे नहीं लगा रहा। तो ये देखिए दोस्तों आप अच्छे से, यानी कि सिर्फ इतनी सी चीज़, यानी रेडिएटर क्लीन किया है और इसका थर्मोमीटर द्वारा है ना वो रिप्लेस किया है, यानी एक छोटी सी चीज़ से इतना बड़ा फ़ायदा हो जाता है। अब आप लोगों के साथ मतलब क्या होता है, यानी मैं गाड़ी बंद कर देता हूँ। यानी दोस्तों आप लोगों के साथ क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको हेड खत्म बता दिया जाता है, ये छोटा प्रोसेस है ना, चेक नहीं करते हैं, मतलब क्या मोटी का बाइक के चक्कर में ये छोटी चीज़ें बताते नहीं है। जबकि जैसे कोई भी काम करना होता है तो स्टेप बाय स्टेप होता है। लेकिन मैंने सबसे पहले इसके ढक्का रिप्लेस करके देखा नया, तो उससे यानी कि जो चला गया है इसको उससे फ़ायदा नहीं हुआ। फिर भी ये करी, फिर मैंने अच्छे से देखा ना तो पानी का रनिंग है ना वो काफ़ी स्लो था, मतलब पानी जो घूमने का स्पीड का था ना वो थोड़ा स्लो था। इसलिए फिर मैंने रेटर देखा, तो रेटर काफ़ी टाइम से इसका खुलाया हुआ नहीं था बिल्कुल, यानी कंपनी के साथ का रेटर था और गाड़ी काफ़ी पुरानी है। तो मैंने थर्मोस्टेट वाला रेटर जैसे ही किया, अब ये देख लीजिए आप रिजल्ट, गाड़ी बिल्कुल एक नंबर हो गई, अब पानी बिल्कुल भी नहीं उबाल रही। अब जैसे हेड खत्म है, तो हेड खत्म का मतलब है जैसे ठंडी हो या गर्म हो गाड़ी, जैसे मान लीजिए आप ये ढक्कन खोल दिया, इसको पूरा भरना है और एक बंदे से सेलअप लगवाना है। जैसे अपन सेलअप लगाते हैं अगर इसमें तो पानी उबाल देखते हैं ना, हल्का सा ज्यादा बबूला आता है इसमें सेलअप लगाने पर, तो समझिए हेड गैस की लीक है, वरना तो कोई भी और चीज़ हो सकती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पूरा हेड ही भरना पड़े, इन छोटे प्रोसेस से भी गाड़ी ठीक होती है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा था कि आप लोगों भी ऐसे फ्रॉड से बच सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ऐसी ही मैकेनिकल नॉलेज पब्लिक प्रॉफिट की मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, जिससे आप लोगों को फायदा होता रहता है। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है, कोई प्रॉब्लम है जिससे बारे में पूछनी है गाड़ी की, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं अपने नंबर दूँगा और आपको अच्छा से अच्छा सजेशन दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी धूप हो रही है, अब चलते हैं और काम करेंगे।